सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। फटाफट फटाफट, जब तक ये मर न जाए जब तक हटेंगे। मड़ी में हाथ लग, साफा में हाथ हटा के और गोली मारा। अति 20 मिनट पड़े थे, सांस उनकी चल रही थी, अति अच्छी ले रहे थे ऐसे करके। ये सब चीज़ मैं अपनी आँख से देखी थी, बता दी। वही जो अतीत ने बोला और उसने लगा दिया और ऐसे कर रहे हैं, वो छू नहीं रहे उसका। जब सांस टूट गया तब जाके ले गया। देखिए, मेरा नाम है शरीफ अहमद, मैं चक्के के रहने वाला हूँ, कसारी मसारी। मैं यहाँ से वैसे रहता हूँ, रातों दिन रहता हूँ। मैं यहाँ पर रहता था, परसों के टाइम गाड़ी आई थी, दो तीन जीप। सुना था कि अतीक अहमद आ रहे हैं, तो मैंने सोचा फिलहाल देख लूँ। जैसे आए तो मालूम पड़ा कि ये मेडिकल का कराने आए, मेडिकल करा के चले गए। अब कल फिर आ गए तो फिर सुना अतीक अहमद फिर आ रहे हैं, तो मैंने देखा। देखा जब गाड़ी आई दो जीप, अब परसों तीन जीप थी, अब भरी हुई थी एकदम, प्रशासन भरी हुई थी। और कल के देखा एकदम समझा, कल प्रशासन भी कम लोग, अरे कम से 6-7 थे। और जब गेट के अंदर आने लगे थे, ये हुआ कैमरा वाले बहुत थे और उसी के बीच में घुस के आगे आगे आने लगा। गेट के जब अंदर आने लगा तो उसमें कम से कम 10 पुलिस टोटल थे। मैं गिना तो नहीं, अंदाज दिखता है। अब वो जब पुलिस कम थी तो ये जो है बनमास लोग अंदर घुस के और वहीं घुस के ना आइए आइए कमर में, आइए आइए आइए। वहीं जो है कनबटी में हाथ लग, साफा में हाथ हटा के और गोली मारा। मेरी नज़र जो थी सिर्फ वहाँ खम्भे के पास, गेट के पास खम्भे के पास खड़ा था मैं। और जैसे अस्सी के आने लगे तो वहाँ फिर पीछे पीछे आने लगा कि यार देख लो चेहरा। और मेरी आँख जो थी चेहरे पर थी, और जब हटाया और कनबटी मार दी, और जैसे मारा इधर वैसे सामने वाला क्यों दो तीन थे ना, वो उसने चालू कर दिए अशरफ को मारा। दोनों भाई हथकड़ी लगी तो गिर गए। और मैं अपनी जान बचा के सिरम में घुस गया, ये मेरा चिर उड़ गया। तो अब जब अंदर आ गया तो मैं जल्दी से बंद करके देखा कि वो बड़ा फुर्सत में उसने मारा। हाँ, फटाफट फटाफट, जब तक ये मर न जाए जब तक हटेंगे। तो उतने में जब और भी पुलिस वाले और जो 4 पुलिस वाले आ गए, जो हट गए थे गोली के टाइम, वो फिर आ गए। उनको दबोच लीन घसीट के लेके गए। अतीक 20 मिनट पड़े थे, सांस उनकी चल रही थी, अतीक अच्छी ले रहे थे ऐसे करके। तो 15-20 मिनट के बाद तब ये लाश अंदर गई। ये सब चीज़ मैं अपनी आँख से देखी थी, बता दें। तो हम लोग कैसे आए थे? अरे वो साहब गाड़ी से आए थे, गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से आए थे। और वही गेट के पास जो दिख रहा है वाला गेट, बस यही बात खड़ा करने, अच्छा खड़ा करने के बाद मोटरसाइकिल अंदर लेके आए, अंदर ला के खड़ा कर दें। खड़ा करने के बाद जाए भाई अपने घूम रहे, और जब देखें गाड़ी आ गए तो उसके करीब पहुँच के आइए कर रहे थे। और हमको क्या मालूम कि सब क्या है भाई, हम तो सोचेंगे भाई कैमरा वाले हैं, क्यों कैमरा उनके पास पहुँच गया था। गाड़ी जो तस्वीर मान, हाँ अशरफ कुछ बोलो, अशरफ बोलो, अतीक बोलो। और जब गेट के अंदर जब आए तो बोलने लगे, अतीक कुछ बोलो, तो उसके मुंह से निकलने जा रहा था गुड्डू, माफिया ना कुछ। वही जो अतीक ने बोला और उसने लगा दिया, फट से मार दिया। मुँह से बोले या ना बोले वो मार दिया। बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी, फिर उसके बाद उसको अस्पताल में अंदर लेके गए। हाँ, अंदर लेके गए 20 मिनट के बाद। जी हाँ, अच्छा। कोई छू नहीं रहा है। तब एक तो सरकारी आदमी आया, पेटी लेके रखा अंदर, तब इसको लाश उठाया, मतलब पब्लिक उठाए
ये हमारे प्रशासन लोग उठाए गाड़ी में बैठा ली, वो जो अस्पताल वाला पलंग होता है वही हिलने लगा, वो इन दोनों भाई को लिटा लीजिए, हथकड़ी लगी थी, एक भाई इधर एक भाई इधर, दोनों लेके गए अंदर। उसमें मतलब जब गोली लगी तो उसके बाद ऐसा था कि कोई जिंदा था सांसें नहीं, एकदम दम तोड़ दिया, अति मिनट 5 मिनट तक सांस चली दम नहीं देखा, और सामने फिल्म में खड़ा था, चैनल बन गए और ऐसे कर रहे और छू नहीं रहे उसका, तो सांस टूट गया तब जाके ले। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।